ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 13 फरवरी 2022, प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रविवार का मुरली है। रिवाइस है 10/1/90, मधुबन। होली हंस की विशेषताएं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है, कंकड़ पत्थर छोड़ देता है। तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना, अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगमयुगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। आज की मुरली में हंस की सवारी का बाबा ने सच्चाई बताया कि यथार्थ रीति हंस क्यों दिखाया। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना, समय को पहचाना, अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना, अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तभी ब्राह्मण जीवन धारण की। यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है, परम आत्मा है। मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्म पहचान बाप परखने की शक्ति ना होने कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है वा क्या करना है, निश्चय नहीं है ना। तो इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते हैं, लेकिन सहजयोगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियाँ नहीं हैं। इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़। होली हंस का माना एक पवित्र जो हंस और जो अपवित्रता रूपी कंकड़ है ना। तो बाबा ने आज होली हंस का, वीणा वादिनी का हंस क्यों वाहन है, यह सब बातें यथार्थ रीति प्रैक्टिकल में समझाई। तो अपवित्रता रूपी कंकड़, दोनों को अलग नहीं समझते तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती। तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति परखना, अर्थात पहचानना। आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तब तो ब्राह्मण बने और चले रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो, लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें सफलतापूर्वक हर कर्म रहे व हर संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे।
हर प्रकार की सेवा मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार पर रखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है, इसमें फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा ना होने का कारण चेक करो, तो कार्य को, व्यक्ति को, आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्व सहयोग चाहिए व शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है, जिस आत्मा को जो सहयोग व विधि उस समय चाहिए वो ना देकर व ना परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो व विधि अपनाते हो, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे अब कोई परवश आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, भगवान से अपने जो भी दुख हैं संकट हैं उनको ख़त्म करने की बात कहती, और या कोई कहती कि हमें मोक्ष चाहिए और आपने सबसे पहले यही कहा कि भगवान तक आते हैं इस धरा पर कर्म के अनुसार तन को धारण कर वह भी मोक्ष में नहीं, तो फिर पहले ही आपने उसे वही बात कह दी, ना तो उसकी बात समझी और ना ही उस आत्मा का परवश आत्मा का तकलीफ समझा, और आपने बस कह दिया, तो फिर जुड़ने से पहले वो असंतुष्ट हो जाते हैं, है ना। कई कई मनुष्य आत्माएं जुड़ना चाहती हैं, बहुत सारे जगह भटक भटक करके आए, किसी ने बताया कि वहाँ जाएंगे तो आपके सारे जो है कष्ट दूर हो जाएंगे, और आपने आते ही उनको रोल में फंसा दिया, नियमों में बांध दिया, तो ज्ञान समझने से पहले, ईश्वर को पहचानने से पहले जो लेकर के आए दुख, वो दुख को ही आपने समझा नहीं, तो फिर वो संबंध में आने से पहले ही दूर हो जाते हैं। तो यही बाबा कहते हैं कि पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, है ना। तो इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती। जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि ना आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं, है ना। यदि आपको पता चला कि फ्लू है और उसने कुछ और दे दिया दवा और आपने वो थोड़े दिन खा भी ली, तो फिर उल्टा असर हो करके और अनेक रोग पैदा हो जाते हैं ना, प्रैक्टिकल में भी आपने देखा। तो पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती, जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो। कोई आया, पता चला कि जो दुनिया में बीकेस को लेकर या बाबा के ज्ञान को लेकर सबसे ज़्यादा जो फैला हुआ है कि आपस में भाई बहन बना देते हैं, जादू कर देते और सब कुछ छोड़ना होता है, घर से दूर जाना होता है, इस तरह की जो बातें हैं कि नियम जो बाबा के हैं श्रीमत पर चलने के, पवित्रता का जो व्रत है, तो आप किसी के आते ही इन नियमों को बताते हैं तो वो दूरियां अधिक से अधिक बन जाती हैं, फिर वो वहीं भटकते हैं जहां भटकते रहे हैं ना। तो फिर संतुष्टता कैसे मिलेगी, हर एक नब्ज को पहचानो ना। बाबा कहते हैं, जिसको साधारण शब्द में बाप दादा कहते हैं कि नब्ज को पकड़कर उसे पहचानो, उसके दुख को समझो, चलना और चलाना भी ज़रूरी है तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े, इसमें अंतर पड़ जाता है। जिसको आप साधारण भाषा में कहेंगे हैंडलिंग का फर्क, कहते हो ना इनकी हैंडलिंग पुरानी है इनकी नई है, यह अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए।
टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देंगे तो क्या हालत होगी, वह तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमजोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड समय वायुमंडल परख ना सके, तो रिजल्ट क्या होगी? एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति ना होने कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा, और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता ना मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना, इसलिए शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। अब बाबा का जो 7 रोज का कोर्स है वो कितना है, मुश्किल से एक एक घंटे का है, तो 7 घंटे यदि बाबा एक ही दिन में पढ़ाना चाहते तो पढ़ा सकते थे, बाबा एक ही दिन में 7 रोज की भट्टी में तपा सकते थे, 7 घंटे क्या मायने रखता है, लेकिन बाबा ने क्यों उस ज्ञान को 7 रोज में बदली किया? क्योंकि मनुष्य आत्माएं एक साथ इतना ज्ञान धारण करना असंभव ही है, और कई कई को तो वह भी तीर नहीं लगता है ना, असमंजस में हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं उतना सब समझने के बाद भी। तो इकट्ठा थोड़े ना किसी को ज्ञान देते हैं, बिना नब्ज के थोड़ी ना, वो नहीं भी सुनना चाहता तो भी हमने उसे ज्ञान दे दिया है ना, जो बाबा ने कहा वही वही बता दिया। अब मान लीजिए किसी का परिवार लहसुन प्याज बेच करके चल रहा है, उसका पीढ़ी पीढ़ी चलते आ रहा है सब्जी का बाजार में बेचने का, और आपने कहा कि यह तो सबसे ज्यादा पाप है लहसुन प्याज खाना और ये सब करना, तो वो ईश्वर से आकर के ज्ञान आपसे उठाएगा, ईश्वर से मिलेगा, उनसे संबंध जोड़ेगा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, जिससे कि उसके परिवार का ही पालना पालन पोषण हो रहा है, वही आपने सबसे पहले उसको छोड़ने की बात कही। तो यह सब बात बाबा इस तरह से समझाते हैं कि सफलता मूर्त बनने में जो परसेंटेज हो जाती है ना, तो शक्ति की आवश्यकता हुई संबंध में परखने की, जो कि नहीं होती। तो पापा कहते हैं शिक्षा भल दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ, है ना। तो ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी अगर आत्माओं की आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी, है ना। तो अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, है ना। किसी को गाली देना, किसी को ऐसे भटकाना रास्ता, किसी को उल्टा सीधा बताना, ये तो करते नहीं। तो बाबा कहते सभी अच्छा अच्छा कहते, लेकिन धारणा भी तो नहीं होती, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो नहीं कहते, लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रहेगा, नहीं रखेगा। पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, और जब उसको 1 गिलास 2 गिलास पानी पिलाने के बाद आप उसके पास में बिजलरी वाटर भी रख दो, कोई अच्छा ड्रिंक ला कर रख दो, तो भी उसको उससे खुशी नहीं मिलेगी जो उसको पहले ग्लास पीने से संतुष्टि हुई। तो
तो पापा कहते हैं कि प्यासे को पानी ना कि 36 प्रकार के भोजन, तो पानी की बूंद से ही उसे संतुष्टि होगी ना कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे। किसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है? उसको आपकल्प 5,000 वर्ष का वा गीता का भगवान कौन यह बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति वा उसकी आस्था क्या है उसको परखना आवश्यक है। बाबा ने तो ये भी कहा है जिनको ओम शांति का अर्थ ही नहीं पता है उनसे ओम शांति मत कहिए, उनसे नमस्कार हाय हेलो ही करिए, है ना? क्योंकि जिनको नहीं पता है तो वो तो पता नहीं कौन सा अर्थ निकाल लें उसका, है ना? तो इस तरह परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ? परखने की शक्ति। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा और आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी। और क्या बन जाएंगे? नंबर 1 सफलता मूर्त। तो चाहे सेवा में चाहे संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो और सारे दिन में यह चेक करो, सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश व कोई आत्माओं के संग के वश व माया द्वारा मनमत के वश उस समय परवश हो जाते हैं, लेकिन समय परिस्थिति संग का प्रभाव मनमत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गए। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी व करनी है, लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब की किताब में दाग नहीं लेकिन बिंदी तो पड़ गई, बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुहा है, कर्म प्रधान है। एक पिता के पास अथाह स्थूल धन है, घर में कोई बीमार है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है और वो पिता अपना सब कुछ देने तैयार है कि चाहे जितना भी लग जाए लेकिन मैं अपने बच्चे को कैसे भी बचा लूँ। डॉक्टर्स के पास जाता है, अलग अलग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा कर के बोलते हैं कि जितना चाहो उतना ले लो लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, है ना? लेकिन वह नहीं बच पाता क्योंकि कर्म प्रधान है। आपके पास में सब कुछ होते हुए भी नहीं बचा पाते, स्थूल धन कोई काम का नहीं है यदि आपके कर्म प्रधान नहीं है तो। और वही एक गरीब बाप का बच्चा अगर उसके कर्म श्रेष्ठ हैं, प्रधान हैं, तो उसका बच्चा बिना पैसे बिना धन खर्च करे भी बच जाता है कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन में हो तो भी। तो दुआओं और पैसे में बहुत फर्क है ना? कर्म प्रधान है। तो जितना आपको आपके कर्मों का है वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, है ना? तो यही परमात्मा कहते हैं कि यह कर्मों की लीला अति गुहा है। टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना? टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला, कि कम से कम भा
परमात्मा तो मिला कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, श्रेष्ठ कर्मों की लीला। दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, आप कहेंगे वाह श्रेष्ठ कर्म। अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वाह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इससे अंडरलाइन कर, इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म है, साधारण भी है श्रेष्ठ भी है, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणतया को विशेषता में परिवर्तन करो। इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, यह रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं, 5 मिनट में सबका पता लग जाता है, वो तो है ही सुप्रीम सोल, है ना। जिस तरह से सूरज जैसे ही उगता है, ऐसा नहीं है कि कोई उससे लाइट मांगने के लिए जाता है, है ना। तो यह भी ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली जो सर्वशक्तिमान की किरणें हैं, वो एक साथ अपने बच्चों को एक साथ आगोश में रख सकते हैं, है ना। एक साथ अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं, है ना। भला उस चीज़ पर कोई फेत रखता है, कोई नहीं, कोई मूर्तियों में रखता है, कोई किस में, कोई किस में, है ना। तो बाबा 5 मिनट में चेक करते हैं, है ना, साथ साथ। तो इस तरह सबका पता चल जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ समान बनने बनाने की एम से चेक भी करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह व पहचान व बाप की पहचान, तो इसमें तो सब पास हो, और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, ना कि धमाल वाली कमाल है। कोई कोई बच्चे धमाल की भी कमाल करते हैं ना, होती धमाल है, लेकिन कहते हैं यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते परखने की शक्ति को बढ़ाओ, अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, यह परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं, कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ व साधारण कर्म करते हो और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है व रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है वशीभूत हो जाते हैं, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है, क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है, राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को भी रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो, फिर जिद करेंगे या सिद्ध करेंगे। यह निशानी है वशीभूत बुद्धि की। ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्तात्माएं जो डायरेक्शन देती हैं, उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रहे हैं, इसमें धोखा खा लेते हो। निमित्त बने श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं, है ना। ईश्वर परमात्मा कहते हैं ना कि यदि मेरी याद में रहते हुए कर्म करोगे, हर एक कर्म में मुझे शामिल करोगे, मुझसे साझा करोगे, तो यदि कुछ गलत होता भी है तो जिम्मा मैं लेता हूँ, तुम्हारे ऊपर बात नहीं आएगी। तो देखिए और क्या चाहिए, है ना। तो अब डायरेक्ट परमात्मा ईश्वर आकर के तो आपके सामने खड़े नहीं हो जाएंगे ना, वो किन्हीं ना किन्हीं
को निमित्त बना करके ही भेजते हैं, उन्हें ही तो बाबा का भेजा हो फरिश्ता कहते हैं, नहीं तो मनुष्य आत्माएं तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर एहसान लादती हैं, कुछ काम कर दें तो वह एहसान जताते हैं, लेकिन जो परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते हैं वो कभी एहसान नहीं, कर्तव्य समझते हैं, कर्म समझते हैं अपना, है ना। तो इसी तरह अगर कोई बात बुरी भी लग जाती है तो बाबा कहते हैं कि फिर आप जिम्मेवार नहीं, जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। तो ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी व्यर्थ, कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हैं, आप पाप आपका पाप नहीं बनेगा, अकाउंट में जो करता है ना उसका ही होता है ना। तो आपका काम ठीक हो जाएगा क्योंकि बाप बैठा है, शुक्रिया बाबा, तो बाप पाप को बदल लेगा। यह गुहा रहस्य है, गुप्त मशीनरी है, इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, इसमें आपका फायदा है, नुकसान भी बदलकर फायदे में हो जाएगा, यह बाप की गारंटी है, समझा। वो निमित्त बनी आत्माओं की नहीं, बाप की गारंटी है। इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, बाप जिम्मेवार है जिनको निमित्त बनाया है, उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार बाप है, ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लामुजीब निमित्त बनाया गया है, समझा। टीचर्स से अच्छा लगता है ना, टीचर्स को अच्छा लगता है ना, तो इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया। कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना, लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो, इन गुहा बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना, निमित्त बाप ने बनाया है ना, बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है, क्वेश्चन, हाँ, उस शक्ति से बड़ी शक्ति आप हैं, नहीं ना, आपने तो नहीं लिखी फ्यूचर की डायरी, आपने तो नहीं पता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इस दुनिया का फ्यूचर क्या होगा, है ना। यदि हम आप अपना फ्यूचर देख लेते तो फिर हम उसी हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते ना, हम तो इस पल का भी नहीं जानते, जानी जाना नहार तो ऊपर बैठा है, तो उसको उससे ज़्यादा परखने की शक्ति हमारे में नहीं है। बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है, ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है, दूसरों से नहीं है, यह भी सोचना रॉन्ग है, यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं, प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए, यह है प्यार। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती, यह है प्यार की निशानी, जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ, अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे, और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है, कभी किसी बात में घबराओ नहीं, हजार भुजाओं वाले आप भी हो, बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। अच्छा,
चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। वरदान है शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से ही हलचल होती है, इसलिए अब बाप को फॉलो करते रहो, करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। बाबा ने निमित्त आत्माओं को चुना जरूर है, लेकिन बाबा ने डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए कहा है। वो तो हम द्वापर से आधार बना करके करते ही आए हैं, है ना, इनडायरेक्टली उस परमात्मा को याद करते ही आए द्वापर से। लेकिन यहाँ तो परमात्मा अब निमित्त आत्माओं के द्वारा कहता है कि डायरेक्ट जुड़ो, है ना, कनेक्शन उस एक से रखो, इससे नहीं और ना ही ब्रह्मा से। वो तो सिर्फ आधार है, उनके थ्रू, है ना। तो इस तरह आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।